अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पिशावरी चपली कबाब। तो इसके इंग्रेडिएंट्स अब भैया बता रहे हैं। 5 kg बीफ कीमा लिया हमने, सॉल्ट हल्के का 1 teaspoon, वाइट पेपर 1 teaspoon, गरम मसाला 1 tablespoon, चिली फ्लेक्स 1 pinch, ऑरिगेनो 1 teaspoon, जिंजर पाउडर 1 tablespoon, चिली पाउडर 1 tablespoon, साबुत धनिया चाहिए, 2 टमाटर लिए थे हमने, उसके हमने बारीक बारीक स्लाइसेस कर लिए थे, 1 पूरी धनिया की गड्डी ली थी हमने उसको फाइन चॉप कर लिया था, 1 पूरी मीडियम प्याज ली थी उसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया था, 1 अंडा लिया हमने, 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट चाहिए हमें, 1/2 कप हमें बेसन चाहिए। सबसे पहले हम लोग 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे, हमने डाल दी 2 टेबल स्पून प्याज डालेंगे, स्पाइसेस हमारे सारी हम वो डालेंगे, धनिया को हम लोग क्रश करके डालेंगे, इस तरह से हाथ की मदद से क्रश कर लेंगे हम लोग और अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लेंगे इन सारे मसालों को। नमक को बाद में ऐड करते हैं, अभी से ये मसाले को ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे हम लोग, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब 1 अंडा ऐड करेंगे हम लोग और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अंडा बाइंडिंग के लिए होता है, इससे हम अंडा डालते हैं। एक 2 मिनट के हम लोग उसको ढक के रख देंगे, एकदम धीमी आंच पे बेसन भूनने हैं हमें। अब हम इस बेसन को चपली कबाब में डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। बेसन भी बाइंडिंग एजेंट होता है, इसलिए हम चपली कबाब में बेसन भी डालते हैं। आप इसको मिक्स कर लेंगे, आपको ये खुशबू आएगी इससे, आपने मसाला वगैरह डाले हैं ना उसकी। हमने टमाटर चॉप कर लिया है, आप हम इस बैटर में टमाटर मिलाएंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिला दिया है, अब हम इसकी पैटी बनाएंगे। इतना बड़ा लेना है आपको, ये बाद में शेयरिंग हो जाएगा। ये हमारे पास 2 तरीके की पैटी रखी हुई है, ये हमने टमाटर चॉप किया था, ये वो वाली पैटी है और ये हमारी सभी टमाटर की पैटी बनानी है। हमने चर्बी को मेल्ट किया था, इस तरह से हमने चर्बी को मेल्ट कर लेना है और उसका अब ये 2 टीस्पून हमें ये डालना है। ये देखें, इसको हम डालें तो ये एकदम तेल की तरह आ रही है। अब हम इसको बहुत आराम से फ्राई पैन पर रखेंगे। धीमी आंच पे इसको पकाएंगे पैटी को। हमने कबाब को पलट दिया है तो इस तरह का रंग आ जाना चाहिए। उसकी दूसरी साइड पक रही है, वही धीमी आंच पे पकाएंगे। तो ये होगा भाई हम लोग का पिशावरी चपली कबाब तैयार। तो हमारी इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे इंस्टा पेज और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दोनों को जाके फॉलो कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की आप लोग तक अपडेट आ सकें। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।